स्वागत है आपका आपके चैनल यूपीएससी लाइव पर। मैं आज अंकेश शुक्ला फिर से हाजिर हूँ आपकी एनवायरनमेंट की सीरीज को आगे बढ़ाने के लिए। जैसा कि हमने अपने लास्ट लेक्चर में डिफाइन किया था कि जैव विविधता के कौन कौन से खतरे हैं, क्या क्या खतरे उत्पन्न हैं जैव विविधता को, और उनकी बात हमने कर ली थी। हम आज की अपने लेक्चर को शुरू कर रहे हैं उनके संरक्षण से, कि हम अपनी जैव विविधता के जो खतरे हैं उनसे कैसे निपट रहे हैं और उनके लिए क्या काम किया जा रहा है उनको संरक्षित करने के लिए। अपने लेक्चर के शुरू करने से पहले थोड़ी सी बात हमारे इस इनिशिएटिव को लेकर के हो जाए कि आपको किस तरीके से चीजें प्रोवाइड हो रही है, ताकि आपके दिमाग में कोई इसको लेकर के कंफ्यूजन ना रहे। तो हमारी जो वेबसाइट है जो कि इस हमारे चैनल से लिंक्ड है वो है csc upsc.com। किस तरीके से ये आपको हेल्प करेगी, बस एक मिनट में आपको ये बताते हुए तुरंत अपने लेक्चर पे वापस आते हैं। जब आप इस वेबसाइट को विजिट करेंगे तो यहाँ पर आपको प्रतिदिन पीआईबी का एनालिसिस मिलेगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। गवर्नमेंट की सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ से उपलब्ध होती है हिंदी में, जो चीजें आपके लिए बिल्कुल काम की है उनको एनालिसिस करके आपको यहाँ पर पीआईबी एनालिसिस मिलेगा। राज्यसभा टीवी की न्यूज का एनालिसिस लगातार आपको यहाँ पर मिलेगा। बहुत सारे और भी जो राज्यसभा टीवी के प्रोग्राम्स हैं जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है उनका एनालिसिस आपको यहाँ पर लगातार मिलेगा। समाचार पत्र हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए एक हमेशा से ही एक मुश्किल का काम रहा है, क्योंकि कोई भी एक समाचार पत्र इस स्तर का नहीं है कि वो पूरी की पूरी तरीके से सभी जरूरतों को पूरा कर पाए। ऐसे में हमारा उद्देश्य क्या है, हम इस वेबसाइट पर सभी समाचार पत्रों से वो कंटेंट जो कि आपके लिए बहुत आवश्यक है उनको एकत्रित करके सीधे आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। आपको कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं है, आप बस इस वेबसाइट को विजिट कीजिए, यहां से जो समाचार पत्र की क्लिपिंग्स है रोज उनको डाउनलोड कीजिए और उनको लाभ दीजिए उनका। चौथा जो हमारा सेगमेंट शुरू हो रहा है वो बहुत ही महत्वपूर्ण सेगमेंट है। आप सभी लोग जानते हैं कि यूपीएससी की तैयारी में मेंस में आंसर्स लिखने का जो स्किल है या फिर जो आप निबंध लेखन की कला अपने अंदर उत्पन्न करते हैं, ये एक दिन या फिर अचानक से होने वाला काम नहीं है, आपको लगातार इस पर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जिस दिन से भी आप अपनी तैयारी को शुरू मानते हैं उस दिन से ही ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आप इस चीज पर भी काम करें कि आपका उत्तर लेखन कैसा है। हम दावे के साथ इस बात को कह सकते हैं कि उत्तर लेखन के मामले में जो हमारा इनिशिएटिव है ये आपको कहीं पे भी नहीं मिल सकता है। हम आपको यहाँ पर क्वेश्चन प्रोवाइड करेंगे, उनके मॉडल आंसर्स प्रोवाइड करेंगे एक निश्चित समय के बाद, इसके बीच में आपको उन क्वेश्चंस के आंसर्स को लिखना है और पोस्ट करना है। इन सब बातों के साथ हम लोग अपने वापस अपने लेक्चर पे आ जाते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप इस वेबसाइट को विजिट करिए और हमारे द्वारा किए गए सारे इनिशिएटिव्स का अधिक से अधिक लाभ उठाइए। तो जैव विविधता के खतरे हमने पिछले लेक्चर में देख लिए हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज आप उस लेक्चर को पहले देखिए, वहां से आप देखेंगे कि लास्ट में इस बात की बात हुई कि जैव विविधता के लिए हमारे चार खतरे थे। पहला था आवास का विनाश होना। उस खतरे से निपटने के लिए संरक्षण के जो कार्यक्रम शुरू किए गए वो दो तरीके के हैं। एक है स्वस्थाने, जिसको हम लोग इंग्लिश का भी वर्ड समझ लेते हैं, जिसके लिए हम इंग्लिश में वर्ड यूज करते हैं इन सीटू से हमारा मतलब है कि उन जीवों का संरक्षण उन्हीं जगहों पर किया जाए जहां पर वो मूल रूप से पाए जाते हैं। हम उनको कहीं और लेकर के नहीं जाएंगे, जो उनका मूल निवास है हम उनको वहीं पर संरक्षित कर रहे हैं। इसके उदाहरण क्या है, इसमें हमने राष्ट्रीय उद्यान बनाए हुए हैं, वन्य जीव अभयारण्य बनाए हुए हैं, बायोस्फीयर रिजर्व बनाए हुए हैं। इन पर बहुत डिटेल में आगे हमको चर्चा करनी है, अभी सिर्फ इनको स्वस्थाने संरक्षण के माध्यम के उदाहरण के तौर पर आप सिर्फ देखिए। बाह्य स्थाने संरक्षण में क्या किस प्रकार का हम काम करेंगे, यहां पर जियोलॉजिकल पार्क बनाए गए हैं जहां पर प्रजातियों को संरक्षित करने का काम किया जाता है। बोटेनिकल गार्डन्स बनाए गए हैं जहां पर पेड़ पौधों की प्रजातियों को संरक्षित करने के लिए पूरा उनका मैकेनिज्म बनाया गया है, यहां पर उनको ला करके संरक्षित किया जाएगा। उनके मूल स्थान पर नहीं, जिस स्थान पर ये पार्क बनाए गए हैं उन स्थानों पर उन प्रजातियों के जीवों को लेकर के आया जाएगा और वहां पर उनको संरक्षित किया जाएगा। ऐसे में एक जब हम इसके एनवायरमेंट में इससे रिलेटेड पॉलिटी की बात करते हैं कि क्या क्या ऑर्गेनाइजेशंस बने, किस किस तरीके से इनिशिएटिव्स उठाए गए, तो सबसे पहली जो बात की गई वो थी बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट की। ये विश्व स्तर पर इसकी बात की गई कि बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट किस तरीके से बनेंगे, क्या उनके मापदंड होंगे और कैसे ये काम करेंगे। हम लोग आइए इसको देखते हैं कि बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट आपके लिए कैसे काम करेंगे।
इनके दो मुख्य मानदंड है। पहला मानदंड है कि उस इलाके में 0.5% प्रजाति पाई जानी चाहिए पूरी प्रजातियों का, या फिर इसको हम इस तरीके से कह सकते हैं कि लगभग 1500 सामान्य पेड़ पौधे या जीव जिनको इंग्लिश का वर्ड है वेस्कुलर प्लांट्स वहां पर पाए जाएं, तो हम उस क्षेत्र को बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट घोषित कर सकते हैं। इंग्लिश का वर्ड भी समझना आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कभी कभी इम्तहान में हिंदी के लिए उसमें ऐसे शब्द यूज कर दिए जाते हैं जिनसे आप उसका अर्थ अस्पष्ट ना समझ पाए। ऐसी स्थिति में इंग्लिश का भी वर्ड आपके लिए काफी फायदेमंद साबित होता है। तो वस्कुलर प्लांट्स यानी सामान्य पेड़ पौधे जिनका 1500 या फिर आप दूसरी भाषा में कहें तो 0.5% पूरी प्रजाति का रहेगा, तो हम उस क्षेत्र को बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट घोषित कर सकते हैं। दूसरी जो इसका मानदंड है वो है कि उस हैबिटेट का, उनके आवास का, वहां के बायोडायवर्सिटी का 70% या फिर इससे अधिक अगर नुकसान हो चुका है तो हम उस क्षेत्र को बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट घोषित कर सकते हैं। इसका कॉन्सेप्ट जो आया है वो 1990 में आया है, यानी 1990 में आया है, और अभी तक वर्तमान की बात करें तो पूरे विश्व में लगभग 35 बायोडायवर्सिटी यानी जैव विविधता के हॉटस्पॉट बने हुए हैं। ये नंबर आपको याद रहना चाहिए, और इसमें भी इंपॉर्टेंट बात यह है कि कितने भारत में हैं और उनका स्थान कहाँ कहाँ पर। तो 35 बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट अभी तक पूरे विश्व में है, जिसमें से 4 भारत में है। इन बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट जो भारत में है, आइए हम लोग उनकी बात कर लेते हैं। इनके नाम याद रखिए जो भारत में है, इनके बारे में, इनकी ज्योग्राफी याद रखिए कि किस तरीके से ये महत्वपूर्ण है और क्या क्या यहां पर होता है, और इनकी लोकेशन कहां कहां पर है, क्या ये सिर्फ भारत में है कि अन्य क्षेत्र भी इसमें शामिल होते हैं। तो पहला जो बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट है, मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिख रहा हूं, जिसमें भी आपको सरलता हो उसमें आप उसको समझ लीजिए, दोनों को पढ़ने की कोशिश कीजिए जिससे कि आपको आसानी बनी रहे। तो वेस्टर्न घाट जो है इंपॉर्टेंट बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट है, जिसको हम लोग हिंदी में पश्चिमी घाट भी कहते हैं। इकोलॉजी के हिसाब से देखेंगे तो आप इंडिया का नक्शा, अगर एक रफ नक्शा बनाते हैं तो आपको यहां पर यह चीज मिलेगी। आप देख रहे हैं कि यहां पर अरेबियन सी, यहां पर इंडियन ओशन और यहां पर बे ऑफ बंगाल, हर तरफ से पानी से घिरा हुआ क्षेत्र है। मानसून के निर्माण में भी इस क्षेत्र का बहुत अधिक महत्व है। यह वो क्षेत्र है जो कि अत्यधिक वर्षा वाला क्षेत्र है, यहां पर बारिश काफी होती है। बारिश का अधिक होना और लगभग 8 से 9 डिग्री के आसपास, 10 डिग्री के आसपास का यह क्षेत्र है, तो यहां पर सूर्य ताप भी काफी मिल रहा है, बारिश भी हो रही है। इन वजहों से यहां पर वैरायटीज बहुत हैं और लगभग 66% के आसपास और 70% के आसपास की डायवर्सिटी जो है वो ऐसी है जो कि सिर्फ यही मिलती है। यहां पर हम बात कर रहे हैं पेड़ पौधों की और यहां पर हम बात कर रहे हैं जीवों की। ये डायवर्सिटी जो यहां पर उपलब्ध है वो यहीं के लिए एंडेमिक है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं। हिंदी में बात करें तो वो यही मूल रूप से मिलेगी, अन्यथा आपको और विश्व में ये बात कहीं और नहीं मिलेगी। तो ये हमारा पहला बायोडायवर्सिटी का हॉटस्पॉट है। दूसरा जो हमारा बायोडायवर्सिटी का हॉटस्पॉट है वो है पूर्वी हिमालय। पूर्वी हिमालय का में दो क्षेत्र बहुत महत्वपूर्ण है, भारत का हिस्सा जो इसमें आएगा और नेपाल का पूर्वी भाग। ये मिलकर हमारा दूसरा बायोडायवर्सिटी का हॉटस्पॉट पड़ेगा। क्यों ये इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये दुनिया के सबसे नए वलित पर्वत हैं, यहां पर आपको पाएंगे वलित पर्वत आपको यहां पर मिलेंगे, इस वजह से बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरी बात जो इनके महत्व को और बढ़ाती है कि आप दुनिया की जो सबसे ऊंची श्रेणियां हैं और ऊंची चोटी है वो भी आपको यहां पर मिलेगी। गणना के अनुसार लगभग 10,000 प्रजातियां यहां पर पाई जाती हैं। ऐसे में मानव के द्वारा किए गए कार्यों की वजह से, इन पर होने वाले नुकसान की वजह से, इनके इनका जो मूल स्ट्रक्चर है, इनका जो मूल तंत्र है उसमें काफी नुकसान पहुंच रहा है, और इन प्रजातियों में से बहुत सारी प्रजातियां ऐसी हैं जो कि विलुप्त होने के कगार पर हैं। ऐसे में यह हॉटस्पॉट बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है भारत के लिए। भौगोलिक दृष्टि से भी यह बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है भारत का। भारत की जलवायु को डिसाइड करने में भी इस हमारे हिमालय का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो
इस वजह से हम इसको सेकंड नंबर पर रखते हैं अपने बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट में, और हम लोग बढ़ते हैं अपने तीसरे हॉटस्पॉट की तरफ। तीसरा हॉटस्पॉट जो कि भारत का है, जो कि विश्व की 35 हॉटस्पॉटों में सम्मिलित है। तीसरा जो हॉटस्पॉट है वो रीजन आता है इंडो बर्मन क्षेत्र। इंडो बर्मन क्षेत्र तीसरा हमारा क्षेत्र है जो कि हमारे भारत का बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट है। चौथा जो क्षेत्र है हमारा, वो क्षेत्र कई देशों में जो है फैला हुआ है, लेकिन उसका जो मुख्य भाग भारत का जिसमें शामिल होता है वो है अंडमान निकोबार का क्षेत्र, जिसको हम लोग कहते हैं सुंडा लैंड का क्षेत्र। चौथा जो बायोडायवर्सिटी का हॉटस्पॉट है वो है सुंडा लैंड हॉटस्पॉट। ये कई देशों में फैला हुआ है, भारत का इसका छोटा सा भाग इसमें शामिल होता है, लेकिन वो छोटा सा भाग बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसकी वजह से ये पूरा का पूरा हॉटस्पॉट इंडिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। कुछ देशों को देख लेते हैं जो इसमें शामिल है। सुंडालैंड के हॉटस्पॉट में थाईलैंड शामिल है, सिंगापुर का क्षेत्र शामिल है, इंडोनेशिया का क्षेत्र शामिल है, मलेशिया का क्षेत्र शामिल है, ब्रुनेई का कुछ हिस्सा इसमें शामिल है, और भारत से इसमें निकोबार आइलैंड शामिल है। ये पूरा मिलके सुंडालैंड के हॉटस्पॉट को बनाते हैं। आपका काम क्या है कि प्लीज आप एटलस को खोलें और इन देशों को देखिए, ये इन देशों की लोकेशन को देखिए, तो इस पूरे हॉटस्पॉट की लोकेशन आपको समझ में आ जाएगी। ये देश ऐसा नहीं है कि बहुत दूर दूर फैले हुए हैं, ये काफी नजदीकी देश हैं, और भारत का निकोबार का द्वीप समूह भी जो है इसमें शामिल रहता है। तो ये चार हॉटस्पॉट हैं, और हॉटस्पॉट क्यों हैं? क्योंकि इन पर कुछ निश्चित नंबर की प्रजातियां पाई जाती है, जिनका हमने पहले ही नाम लिया कि 0.5% अगर पूरी प्रजातियां की पाई जाती है तो उनको हॉटस्पॉट घोषित कर दिया जा सकता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आपको मानदंड याद रहे कि किसी भी क्षेत्र को अगर हमको बायोडायवर्सिटी का हॉटस्पॉट घोषित करना है तो वहां पर पहली बात कि 0.5% पूरी प्रजाति का वहां पर जीव उत्पन्न हो, और दूसरा कि वहां पर 70% से अधिक उस तंत्र का नुकसान हो चुका हो, तब हम उस क्षेत्र को बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट घोषित कर सकते हैं। यहां पर एक अगला जो प्रोग्राम शुरू होता है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बायोस्फीयर को लेकर के है, मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम, जिसको हम लोग शॉर्ट में मैब के नाम से जानते हैं, इंग्लिश में लिखते हैं मैब, और इसका फुल फॉर्म क्या है? मैन एंड बायो स्फीयर प्रोग्राम। इसकी शुरुआत संयुक्त राष्ट्र ने की है। इसका आधार क्या है? तो इसका आधार है मानव और उसके वातावरण के बीच में, मानव और वातावरण के बीच में संबंधों को एक वैज्ञानिक ढंग से, इसको सुधारा जाए, और ये किस तरीके से एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं उसको भी और सही किया जाए। तो यह एक अंतर सरकारी कार्यक्रम है, आपको यह भी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि यह एक संयुक्त राष्ट्र का अंतर सरकारी, जिसको इंग्लिश में इंटर गवर्नमेंटल प्लान कहते हैं, यह अंतर सरकारी प्रोग्राम है। तो आपको मैब के बारे में दो बातें, पहली तो इसकी इसके उद्देश्य और ये कैसा प्रोग्राम है ये पता होना चाहिए, ये आपसे सीधे सवाल पूछा जा सकता है कि ये कैसा प्रोग्राम है, और दूसरी बात है कि पर्यावरण के बढ़ते प्रभाव, ऐसा नहीं कि सिर्फ इम्तहानों में पर्यावरण महत्वपूर्ण हो गया है, जीवन में भी पर्यावरण में जो क्षति पहुंच रही है वो बहुत प्रभावी हो गई है, जिसकी वजह से ये चीजें इम्तहान में भी बहुत ज्यादा पूछी जाने लगी है। तो उनको संरक्षित करने के लिए जो प्रोग्राम शुरू किए जा रहे हैं उनका पॉलिटी आपको जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, और आगे के लेक्चर्स में हम लोग सारे उन नियम कानूनों को भी डिस्कस करेंगे जो कि पॉलिटी जिन इस पूरे पर्यावरण को बचाने के लिए की गई है, किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशंस बने हुए हैं, उनका मैंडेट क्या है, वो किस तरीके से काम करते हैं और उनके लक्ष्य क्या है। तो यह एक अंतर सरकारी कार्यक्रम है और इसका लक्ष्य है मानव और वातावरण के बीच के जो संबंध है उन पर एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से उनको सही करना। इसके तहत
विभिन्न पारिस्थितिकी परितंत्रों के बीच, विभिन्न तंत्रों के बीच विस्तृत प्रोग्राम बनाया गया है। ऐसा नहीं है कि इनका संरक्षण सिर्फ उन प्रजातियों को एक माहौल देकर के उनको संरक्षित करके किया जाए, ये काम नहीं है यहां पे। यहां पर काम है कि सामाजिक स्तर पर, इकोनॉमिक स्तर पर और वैज्ञानिक स्तर पर क्या काम किए जा सकते हैं उनको हम लोग इसमें डील करते हैं। तो ये बात आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। मैप एक आपको प्रोग्राम जो है ये पूरा एक वैश्विक मंच प्रोवाइड कर रहा है, ये एक वैश्विक मंच है कि आपके क्षेत्र में यदि कोई समस्या है, मान लीजिए कि क्योंकि पर्यावरण बाउंड्रीज की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, मान लीजिए कि आपकी देश की बाउंड्री ये है, क्योंकि कोई काल्पनिक देश हम बनाते हैं, इस देश के कार्य जो हो रहे हैं, मान लीजिए कि ये पर्यावरण के प्रति बहुत सजग देश नहीं है, ये बहुत सारे काम ऐसे कर रहा है जिसकी वजह से पर्यावरण को बहुत नुकसान पहुंच रहा है, तो क्या ये नुकसान इस बाउंड्री के अंदर ही रहेंगे? बिल्कुल भी नहीं। नुकसान कभी भी बाउंड्री की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, ये नुकसान यहां तक भी पहुंचेंगे। तो ऐसे में दो देशों के बीच तनाव बढ़ सकता है, उनमें आपस में मतभेद पैदा हो सकते हैं कि किस तरीके से वो इन चीजों को डील करें। तो ऐसे में एक वैश्विक मंच जो कि इन बातों को सामाजिक तौर पर, इनके इकोनॉमिक तौर पर और वैज्ञानिक स्तर पर इस चीज को शोध करे और इस बात को स्थापित करे कि किस तरीके से पर्यावरण को होने वाला नुकसान एक समस्या ना बने, बल्कि उसके लिए वैश्विक मंच हो और वहां पर उन चीजों को सही किया जा सके। भारत इसका एक अग्रणी मेंबर रहा है और भारत ने जब यूनाइटेड नेशंस में इन प्रोग्राम्स पर अपने हस्ताक्षर किए हैं तो उसी के हिसाब से यहां पर बहुत सारे एक्ट पास किए गए जो कि पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए थे, जिसमें नेशनल पार्क बनाने की बात हुई, फिर जिसमें बायोस्फीयर रिजर्व बनाने की बात हुई, टाइगर रिजर्व बनाने की बात हुई, एक एक करके सारे टाइगर रिजर्व, सारे बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क को हमको देखना है, वो कहां पर स्थित है, उनके बारे में क्या मुख्य बातें हैं और किस तरीके से वो आपके इम्तिहान में महत्वपूर्ण है। आप किसी भी साल का पेपर उठा के देखिए, हर साल कोई ना कोई नेशनल पार्क एक पूछा जाता है और उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ ऐसी बात पूछ ली जाती है कि जिससे कि वो क्वेश्चन कठिन क्वेश्चन बनने लगता है। तो क्यों ना हम एक सिलसिलेवार तरीके से पूरे के पूरे बायोस्फीयर रिजर्व, 18 बायोस्फीयर रिजर्व को एक साथ पढ़ लें, 50 टाइगर रिजर्व को एक साथ पढ़ लें और उनकी सारी बातों को समझ लें, जिससे कि हमारे फिर हमारे रीच के बाहर से कोई क्वेश्चन ना पूछा जाए। तो 1975 में सबसे पहले बायोस्फीयर के प्रोग्राम्स शुरू किए गए, बायोस्फीयर रिजर्व्स के। 1975 में सबसे पहले बायोस्फीयर के रिजर्व के प्रोग्राम शुरू किए गए। भारत में ये प्रोग्राम शुरू होते होते हमारा समय हो गया 1986 का। 1986 में भारत ने बायोस्फीयर रिजर्व बनाए, भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व था नीलगिरी। यहां पर हम बहुत सारी चीजों को अभी आपको नहीं बता रहे हैं कि बायोस्फीयर कैसे बनते हैं, उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, किस तरीके से अधिनियम पास हुए, क्योंकि एक यूनिफॉर्मिटी बनी रहे हमारे बताने के तरीके में, इस वजह से हम काफी चीजें यहां पर अभी आपको बताने से रुक रहे हैं। हम सिर्फ आपको यह बता रहे हैं कि किस तरीके से तंत्र को बचाने के लिए काम किया गया और किस तरीके से वो काम भारत में भी पहुंचा। तो 1975 में बायोस्फीयर रिजर्व की बात कही गई, 1986 में भारत ने अपना पहला बायोस्फीयर रिजर्व बनाया नीलगिरी को। बायोस्फीयर के बनाने के पीछे के मुख्य उद्देश्य क्या है? यहां पर तीन मुख्य उद्देश्य हैं जो आपको याद रहने चाहिए। पहला उद्देश्य है संरक्षण बायोस्फीयर, क्योंकि हम संरक्षण के हेडिंग के तहत ही इनको पढ़ ही रहे हैं, लेकिन ये उससे आगे का भी काम करते हैं। तो बायोस्फीयर का पहला जो काम है वो है संरक्षण प्रदान करना। दूसरा, बायोस्फीयर प्रोग्राम ही ये देखेगा कि सतत विकास सुनिश्चित हो पाए। बायोस्फीयर क्या करेगा? सतत विकास को भी सुनिश्चित करेगा। और तीसरा जो बहुत महत्वपूर्ण काम है बायोस्फीयर का, वो है शोध के कार्यों के लिए जिन भी चीजों की आवश्यकता है सभी चीजें आपको प्रोवाइड कराना। तो ये आपको प्रोवाइड कराएगा शोध के कार्यों के लिए सभी आवश्यक चीजें। ये तीन मुख्य बायोस्फीयर रिजर्व के
उद्देश्य है, इनको आपको याद रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ये आपसे सीधे नहीं पूछा जा सकते, आपसे सीधे पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व्स का उद्देश्य नहीं है। तो जब आपको तीनों याद होंगे तो आप इस बात का भी उत्तर दे पाएंगे कि कौन सा इसमें से बायोस्फीयर रिजर्व का उद्देश्य नहीं है। तो आपको याद रहना चाहिए बायोस्फीयर रिजर्व का उद्देश्य है संरक्षण, सतत विकास को सुनिश्चित करना और शोध कार्यों में मदद करना जिससे कि हम प्रजातियों को बचा पाए। इस लेक्चर में हम लोग यहीं तक की बात रखेंगे। बायोस्फीयर रिजर्व को आपको बहुत डिटेल में पढ़ना है, कुछ इंफॉर्मेशन के लेवल की बात है, जैसे आपको जानना है कि जो देश में 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं, उसमें से कितने विश्व के नेटवर्क में शामिल हैं और वो 18 के 18 कहाँ हैं, सीधे उनकी लोकेशंस आपको जाननी है और सिर्फ लोकेशंस नहीं उनके बारे में भी हमको जानना है। लेकिन एक इंट्रोडक्शन के लिए कि आपको बायोस्फीयर रिजर्व्स पता हो, कब वो संयुक्त राष्ट्र के स्तर पर शुरू हुए हैं और कब भारत ने उनको शुरू किया है, हम इस लेक्चर में यहीं तक की बातें करेंगे। अगले लेक्चर में हम बायोस्फीयर का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे बहुत ध्यान से और भारत के कुछ बायोस्फीयर रिजर्व्स की भी बात करेंगे। चलते चलते मैं फिर से आपको एक बार अपनी वेबसाइट से इंट्रोड्यूस कर दूं। हमारे इस पूरे इनिशिएटिव में यूपीएससी सीएससी, आप इस बात को ठीक से समझिए कि यहां पर सीएससी यूपीएससी और यूपीएससी लाइफ और इसी से रिलेटेड हमारा टेलीग्राम का चैनल, ये तीन माध्यम हैं हमारे आपसे जुड़ने के। इन्हीं माध्यमों से हम अपनी बात, हम अपने कोर्सेज आप तक पहुंचा रहे हैं। यहां पर हम आपको वीडियो प्रोवाइड कर देंगे लेकिन इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं। आपको इतनी चीजें पढ़नी है कि वो सब कुछ वीडियो में नहीं प्रोवाइड की जा सकती। करंट अफेयर्स रोज का रोज बदल रहा है, उसके लिए आपकी समझ की भी आवश्यकता है। आप बिना समाचार पत्रों को पढ़े उस समझ को नहीं पैदा कर सकते, उसमें समय कैसे बचाया जा सकता है। इसी के लिए हमने यहां पर न्यूज़पेपर क्लिपिंग्स प्रोवाइड करना शुरू किया है। आपको यहां से पीआईबी एनालिसिस रेगुलरली फॉलो करना है, रिलीजियसली फॉलो करना है। पीआईबी का एनालिसिस देखिए, आरएसटीवी की न्यूज देखिए, उनमें जो स्पेशल प्रोग्राम्स आते हैं उनका एनालिसिस देखिए। यहां पर मेंस के क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, कुछ क्वेश्चंस अभी से पड़े हुए हैं, कुछ क्वेश्चन रेगुलरली पढ़ना शुरू होंगे। मेंस के क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, उनके मॉडल आंसर्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे जिससे कि आप चेक भी कर सकते हैं कि आप किस स्तर के उत्तर लिख रहे हैं। निबंध लेखन का भी कार्य बहुत जल्द यहां पर शुरू होने वाला है, हमारी टीम इस पर बहुत अच्छे से काम कर रही है। और वीडियो के हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल पाए इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ऑल वाला नोटिफिकेशन दबाइए जिससे कि हर तरीके का नोटिफिकेशन मिल सके। हमारी टीम में जो हमारे सीनियर मेंबर्स हैं वो लाइव भी आते हैं, वो आपसे इंटरेक्ट भी करते हैं कि हमारा काम कैसे चल रहा है। प्लीज उनसे सच्चाई के साथ और सही सही उनसे रिव्यू करिए जिससे कि हम अपनी टीम के काम को और अच्छा बना पाए। और सारे के सारे कंटेंट के लिए, नोटिफिकेशन के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कीजिए। निश्चिंत रहिए, आपको सारी की सारी चीजें यहां पर प्रोवाइड की जाने वाली है। निश्चिंत रहिए कि आपका पूरा कोर्स होगा, निश्चिंत रहिए कि हम आपको टाइमली सब कुछ प्रोवाइड करेंगे। पहले ही वीडियो में हमने आपको बता दिया है कि ये सब कुछ 5 महीने में होने वाला है। धन्यवाद।